हेलो जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, आपका मैंने ऐड देखा था। जी सर। अच्छा, तो आप क्या करते हैं सर, एड हमारे थ्रू ही गया हुआ है, जी? आप के लिए देख रहे हो रिश्ता। अच्छा, तो आप शादी डॉट कॉम से बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, तो सिया के नाम। अच्छा, सिया के नाम से, मतलब आप खुद को खुद शादी करनी है आपको? नहीं सर, तो सर हमारे थ्रू ऐड गया है, किसी और का है ये ऐड, तो अच्छा हमारे थ्रू गया है। अच्छा तो आप थोड़ा लड़की के बारे में बताइए, मतलब क्या करती हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो आप किसके लिए देख रहे हो और कौन सा ऐड देखा है आपने? मैंने वो देखा था, ब्राह्मण वाला देखा था एक्चुअली। तो क्या उसमें दो ऐड गए हुए हैं, अनमैरिड का और वीडो का, तो आप किसके लिए देख रहे हो? मैं तो अनमेड वाला ही देख रहा हूँ अच्छा एक्चुअली। क्या मेरा दोस्त है तो वो क्या थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा है, थोड़ा बात नहीं कर पाता है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेता हूँ। बोल रहा था मैंने ऐड देखा है। क्या एड दी उनकी? क्या ये एज हाँ, एज वो 24? 24 एज है उनकी। जी तो जी जी आप देख रहे हो उनके फैमिली वाले? फैमिली वाले हैं वो, तो हम ही फैमिली वाले हैं जी, समझो आप। जब आदमी अच्छा, तो सर फिर अपना क्या रजिस्ट्रेशन होता है जी 3,000 रुपये का, जी तो वो रजिस्ट्रेशन। वैसे मैं लड़की का फोटो बायोडाटा भेज सकती हूँ आपको, आप देख लीजिए, जी जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे तो फिर आप हमारी संस्था के थ्रू रिश्ता कर सकते अच्छा, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपकी कंपनी को? हैं। अच्छा हाँ जी, अच्छा तो उसमें आपका मतलब ये अकाउंट में डालना पड़ेगा पैसा? सर वो आपकी है कि अगर आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, आप आके भी ऑफिस करवा सकते हो। अच्छा, तो आज आप जब लड़की से बात नहीं हो पाएगी, अब मैडम आप बात कर रहे हैं रिसेप्शन से, तो आपसे हम क्या जब उसके बारे में बात करते हैं, वो एक्चुअली अब वो हमें पसंद नहीं आई उसको, तो हम पैसा तो हमारा फालतू चला जाएगा ना। नहीं सर, पैसा फालतू क्यों जाएगा आपका? क्यों, जिस लड़की का आपने ऐड दिया वो लड़की अगर हमको पसंद नहीं आई तो क्या तो करेंगे? सर वो अपने पास में एक ही लड़की थोड़ी ना है, अपने पास में और भी रिश्ते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो मैं महीने में आपको 5 से 7 रिश्ते और बताऊंगी, अच्छा, पर अपना मतलब फिक्स आपके नहीं पास मतलब पूरी करेंगे। कंपनी है, मतलब वहाँ पे मतलब ऐड आपको ही हाँ मिलते हैं? अच्छा, जी, तो मतलब 3,000 रुपये देना होते हैं मैडम आपको, फिर आप उसमें क्या क्या सेवाएं देती है मेरे लिए? सर उसमें आपको मैं लड़की की फोटो और बायोडाटा, उनके गोत्र वगैरह, उनके फादर क्या करते हैं, नाम और वो कहाँ से हैं, वो सब मैं आपको भेजूंगी। और अगर आपको उसमें पसंद आती है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और रजिस्ट्रेशन के बाद में भी अगर आपको नहीं आता है ना कोई समझ में, तो जी आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं आपको मंथ में 5 से 7 रिश्ते और बताऊंगी। अच्छा ठीक है मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमको। और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेता हूँ उनसे, क्या इतनी इतनी फीस लग रही है, क्योंकि वो जो सोचेंगे कि मतलब तुम तो नहीं ले रहे हो कहीं बीच में, तो इस वजह से मैं आपकी हाँ जी, आप बात कर लीजिए उनसे, फिर हाँ। आप मुझे बता दें। अच्छा मैडम, कुछ अपना भी बन जाएगा क्या वो, क्या मतलब सर? मतलब अपन को क्या फायदा होगा, हम तो बीच वाले हैं ना। सर फायदा क्या होगा इसमें, हमारा तो खुद का रजिस्ट्रेशन होता है सर, हम तो खुद, पहले हमारी फीस 5,000 थी, अभी कोरोना की वजह से कम कर रखा है डिस्काउंट। अरे नहीं, मैं भी तो दो चार लड़के पास ही आपको दूंगा ना। हाँ हाँ तो उसमें अब मैं उनसे तो मांग नहीं सकता ना पैसा, तो आपको ही देना पड़ेगा मेरे को। तो मैं क्यों दूंगी आपको पैसे, ही बताओ आपकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे, आपको फायदा सर। करवाएं। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से, हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन है। कलने को अगर आप कोई ऐसे लड़के बता दो, और हमारी जो लड़कियां हैं हम यहाँ से अगर आपको बताते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका भुगतान कौन करेगा, ये बताओ। नहीं तो लड़कियां तो वो तो ये बात करेंगे, जो लड़की या रजिस्ट्रेशन देते करता है हैं। उसका कोई मैडम बात थोड़ी। करने से क्या लड़की के बाद में शादी हो जाती है क्या? लड़की को देखते हैं, लड़की घर वालों को देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन बीच वाले का क्या? बीच वाले का क्या है सर उसमें? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, बीच वाला जैसे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करवाऊँ तो मेरा क्या? तो सर एक बात बताओ, आप अपने रेफरेंस से जाते हो देखने के लिए, तब आपका किराया भाड़ा लग जाता है, गाड़ी वाड़ी लेके जाते हो, तो हाँ फिर अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्या कर लेते हो, आप ही बताओ। मतलब तो आप कमीशन नहीं दोगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। मैं क्यों कमीशन दूंगी सर आपको, क्या अच्छा कर रहे हो जो आप? अच्छा तो अब ठीक है मैडम, कमीशन नहीं दोगी तो मैं क्यों करवाऊँ बातें, मुझे मत मतलब करवाओ, तो मैं क्या जबरदस्ती कर रही हूँ क्या आपसे? है बुतने सोच रहा था कि भाई तुम्हारी तुमको खुद करनी है, तुमको खुद की मेरे को करनी है, खुद करनी, करवा रही हूँ ना मैं आपकी, और क्या है, तुम तो किसलिए पूरी करवा रहे हो आप, पूरी किसकी पूरी पूरी फैमिली पूरी देख की रहे हो? पूरी कंपनी खोले हुए हो मैडम, जो है कंपनी खोले हो, तो बीच वाले को पता है कंपनी क्या खोल शादी? रखी है तो हमारे खुद के एड्स, हमारे खुद के
इसके पैसे लग रहे पेपर में एड हम दे रहे हैं, आपने दिया है क्या वो एड जो आप मेरे को बोल रहे हो कमीशन के लिए? पता है जब शादी करवाते हैं ना तो कोट पेंट दिए जाते हैं, कोट पेंट दिए जाते हैं आपको पता नहीं है, जो बीच वाला होता है उसको जो दूल्हे के लिए बनते हैं ना 5-6 हजार रुपए के, वो कोट पेंट दिए जाते हैं। और आप तो 3 हजार उसमें मेरे कोई भी कमीशन नहीं दोगी? मैं आपको किस लिए कमीशन दूंगी? मैं किस खुशी में दूंगी? तो उस लड़की से मेरी बात सुनिए, आपको इतना कमीशन खाने की है तो पेपर में ऐड दो, डायरेक्ट कमीशन मांगो उनसे। अच्छा अच्छा, वो मैडम आपकी तरह है, है ना? हमारी तरह। ठीक है मैडम, ठीक है, ओके ओके। दम होता है ना पेपर में ऐड देने का, रिस्क लेने का, तो ही कमीशन मांगने की हिम्मत रखते हैं। इसको कमीशन नहीं कहते, इसको कमीशन नहीं कहते। अगला पैसा लगाएगा ना कौन सा, 1-2 लाख फिर शादियों में क्यों लगाते हैं? फिर वो भी नहीं लगाना चाहिए ना। अच्छा, पेपर में ऐड देख के कॉल खुद करोगे? अच्छा, पेपर का पैसा हम देंगे और कमीशन हम देंगे, किस बात का देंगे भाई, किस बात का देंगे हम? ठीक है मैडम, अगर आपको नहीं देने तो कोई बात नहीं है, मैं तो आप और कोई का घर टटोलो सर, वहाँ पे मिलेगा कमीशन, वो तो फिर मैं करवा ही दूंगा। फिर दोस्तों देखो, शादी आजकल आम बात नहीं है, इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस फर्जीवाड़ा से कैसे बचाया जाए, कैसे बात की जाए, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैरिज के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है आजकल, और पैसा कोई नहीं मांगता। जी ऐसी ऐसी जो लड़कियां बात करती हैं मीठी मीठी, इसके झांसे में कोई भी आ सकता है, इसलिए आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, किसी को पैसा नहीं दो, क्योंकि आपका पैसा अगर आप दे रहे हो तो आपका पैसा खप जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। ओके, बाय बाय।